बिलाईगढ़ ब्लॉक के सरसीवा से सराईपाली जाने वाले मुख्य मार्ग जर्जर होने के कारण राहगीरों को अपने जान जोखिम में डालकर आवागमन करने पर मजबूर हैं। डेढ़ साल पहले लोक निर्माण विभाग के द्वारा 18 करोड़ रुपए की लागत से 72 किलोमीटर की दूरी को नवीनीकरण करने के लिए ठेकेदार मनोज केडिया को दिया था, लेकिन गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण करने के कारण डेढ़ साल में ही खराब होने लगी है। बिलाईगढ़ ब्लॉक के सरसीवा से हो जा रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी अपने गलती छुपाने के लिए ग्रामीणों पर आरोप लगाने लगे। अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाने के बाद प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल हुआ है, बार बार पिचिंग के लिए पैसा आ रहा है हमारे यहाँ सरसीवा से सराईपाली रोड में, और ठेकेदार ऐसे हैं सर कि बहुत घटिया काम कर रहे हैं, जिससे हमारे जो ग्रामीण है और आने जाने वाले जो भी रास्ते में आ रहे हैं सबको परेशानी हो सर। रोड देखने को मिल रहे हैं, दो चार गिर रहे हैं, कभी कभी जान का खतरा भी बन जा रहा है सर। लेकिन हमारे जो ठेकेदार है इतने तक पैसा ले रहे हैं, अब पूरा घटिया तरीके से पिचिंग का काम हो रहा है सर। आपके द्वारा डामर का तो सर आपको बता दूं मैं कि ना बिल्कुल कम कर रहे हैं, सिर्फ LDO को गिरा दे रहे हैं। मैं खुद इस चीज़ में को मैं जानता हूँ कि LDO को गिरा रहे हैं और डामर कुछ नहीं कर रहे हैं सर। इस वजह से ना बहुत परेशानी हो रहा है सर हमारे सभी आने जाने वाले राहगीर को, और प्रायः देखे जाए तो सर रोज दो चार तो गिर रहे हैं सर। और ऐसा आ रहा है कि हमारा अभी 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 की बात है सर, हमारे डॉक्टर साहब आए थे सरसियों से, उनकी बीवी बहुत ही मुश्किल से बचे हैं सर। उनको उच्च अधिकारी उसके लिए अवगत कराएं कभी सर? अवगत तो करवा रहे हैं हमारे जन जागरण मिशन के द्वारा, बहुत अवगत करवा रहे हैं। और यहाँ तक बता रहा हूँ सर कि ना हमारे जन जागरण जो मिशन है बिलासपुर टाटा की तरफ से, तो वो लोग अपने तरफ से बहुत हेल्प किए हैं, वो गड्ढा पाटने के लिए बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन हमारे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है और जो हमारे ठेकेदार है वो सब ये समय ध्यान नहीं दे रहे सर। ये तो फिलहाल सर सीमा से सराईपाली मार्ग है, ये बिलासपुर है और यहाँ जगह 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 पे पूरा गड्ढा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा। बरसात में तो आए दिन गाड़ी में गिरते रहते हैं, कल ही दो तीन जने गिरे। कौन बनवाए? गर्मी दिन में ना पूरा धूल से परेशान। कौन बनवाए, कितने लाख का है क्या पता है? ये तो मालूम नहीं, मालूम रहने को, लेकिन ये करोड़ों रुपए का लागत का बना है और एक बार मुश्किल से डाल दिया है, थोड़ा बहुत पॉलिश कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया है। आने जाने में परेशानी हो रही है क्या? आने जाने में रोज गाड़ी वाले गिर रहे हैं, गड्ढे में पानी भर रहा है। सराईपाली से सरसीवा जा रहे थे, यहाँ बिलासपुर गाँव के पास रोड बहुत ही खराब है, गड्ढे बने हुए हैं, पानी गिरा है तो पानी भर गया, इसका गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी अभी हम लोग गिरने से बचे हैं। ये 72 किलोमीटर का रोड है, सोत सरसीवा सरायपाली होते हुए उड़ीसा बॉर्डर तक ये रोड जाता है। इसके नवीनीकरण का टेंडर मनोज केडिया ठेकेदार को दिया गया था, ये काम पूरा हो गया। उसके बाद में बरसात के कारण से लोगों ने अपने घरों के सामने मुरुम पाट करके ऊंचा कर दिया है, जिसके कारण से पानी रोड में जमा रहता है।
पानी की निकासी नहीं होने के कारण से रोड में कहीं कहीं पर गड्ढे हुए हैं और ठेकेदार को नोटिस दिया गया है कि जैसी बरसात खत्म होगी तो डामर से उसको जो गड्ढे हुए हैं उनको ठीक। कितने साल के लिए दिए थे सर उन लोगों को, कितने लाख में दिए थे? तीन साल का मेंटेनेंस रहता है, अभी ठेकेदार के मेंटेनेंस में है जी, डेढ़ दो साल और बचे हुए हैं उसमें, उसको अभी तक जो भी उसमें खराबी आएगी उसका मरम्मत वो करेगा। कितने करोड़ का है सर ये? करीब 15-13 या 15 करोड़ का काम था सर। सारी मतलब एक्चुअल जानकारी तो संभाग में है, एग्रीमेंट करता है, 18 करोड़ वाला अभियंता रहते हैं। 18 करोड़ बता रहे सर एक्चुअल? हाँ, ये दो डिवीजन के अंतर्गत आता है, कुछ पोर्शन हमारे बड़ौदा बाजार संभाग में है और कुछ पोर्शन जो है वो उड़ीसा बॉर्डर वाला वो महासमुंद डिवीजन के अंतर्गत। सर वहाँ पर जाने वाले मार्ग बड़े बड़े गड्ढे हैं लेकिन अभी बारिश के दिनों में लगातार वहाँ पर पानी भर जा रहा है जिसके कारण कई दिन घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। वीडियो भी अब इसी है सर कि कल ही गिर गए थे जब खबर कवरेज करने गए थे। अभी लगातार बारिश होने से गड्ढे बने हुए हैं, जैसी बारिश का मौसम समाप्त होगा 15 अक्टूबर के बाद में जो रेनी सीजन होता है उसके बाद ही डामर के पेड़ किए जाएंगे। सर बारिश में अक्सर ऐसे गड्ढे नहीं दिखते जिसके कारण घटना का शिकार है, क्या ऐसे में सामान्य प्रक्रिया है? गड्ढे बरसात में होते रहते हैं, पानी जमा होने से ये गड्ढे होते हैं। तो क्या सर इसमें ठेकेदार की लापरवाही थी, उससे पहले उसको मरम्मत का कार्य करवा देना था? नहीं तो नवीनीकरण का कार्य है, इसमें क्या मरम्मत का, नवीनीकरण मरम्मत कार्य होता है। अच्छा उसी को करवा देना था सर बरसात से पहले ताकि लोगों को ये समस्या सुना जीना पड़े सर। किया है कई जगह काम किया है उसने, कुछ जगह पेचेस हो गए थे तो उसको भी सुधार किया है लेकिन अब बरसात के बाद में जो गड्ढे हुए हैं उसको तो बरसात के बाद ही बना पाएगा। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, ACN24।